दरभंगा शहर में विद्यापति संस्थान के कार्यक्रम में कुछ नशेड़ियों के द्वारा खबर बना रहे पत्रकार पर तेज धार हथियार से जानलेवा हमला, कई पत्रकार हुए घायल, एक का फूटा सर। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नागेंद्र झा स्टेडियम में हो रहे मिथिला विभूति पर्व संस्कृत कार्यक्रम के दौरान हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बीच कुछ असामाजिक तत्व और नशेड़ियों का बोलबाला रहा। इसी का नतीजा है कि यहां मौजूद पत्रकार लोग जब खबर बना रहे थे तब नशेड़ियों के द्वारा उन सब पर तेज धार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। इसी क्रम में स्क्रीन पर यह जिस असामाजिक नशेड़ी व्यक्ति को देख रहे हैं, वो पहले तो खबर बना रहे पत्रकार को वहां से भगाने की कोशिश किए, फिर इतने से मन ना भरा तो जान से मार देने की धमकी देते हुए पत्रकार वीरेंद्र पर अकेला पाकर तेज धार हथियार से वार कर लहूलुहान कर दिया। लोगों ने बीच बचाव में आकर नशेड़ियों को खदेड़ दिया, फिर आनन फानन में घायल पत्रकार को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। इधर मौके पर आए विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने मामला की गंभीरता को देखते हुए सभी को समझा बुझा कर शांत करवाया और जल्द ही नशेड़ियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। सार्वजनिक करेंगे रिपोर्ट में मंच पर पत्रकार पे जानलेवा हमला से हमला कर दिया। अब बताइए और यह किस हालात में आ गया, आकर के फिर इसको बुलाया, यही लोग मन से भगाने वाला और फिर अभी इसको बर्बाद करना है ना। पानी वाला बोतल था, पानी वाला बोतल लाओ ना, पानी वाला अथी लेके आओ ना, ऑक्सीजन वाला मास्क सब ले जाइए, लगा दीजिए। सर बोलने नहीं करते हैं, प्रोग्राम में आप आने वाले हैं कि आप बोलने वाले हैं, प्रोग्राम में रद्द कराइए।